अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप लोग ठीक हैं? आज हमने इस्लामिया की तैयारी के हदीस नंबर 14 यानी हदीस नंबर 14 करनी है। इससे पहले हमने आयत की थी और आज हमने हदीस करनी है। तो बेटा अपना बुक का पेज नंबर 46 ओपन करें। पेज नंबर 46 जी बेटा देखें, हदीस नंबर 14 में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। तर्जमा है कि जिस शख्स ने लोगों का शुक्र अदा ना किया उसने खुदा का शुक्र नहीं किया। यानी कि हमें दूसरों का कोई भी, अगर हमारे जो है किसी कोई हमारी मदद करता है, कोई हमारा साथ देता है, या फिर हम किसी से कोई मदद तलब करते हैं और उसके बदले में वो हमारी मदद करता है, तो उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए उसका? यानी कि हर काम का कोई ना कोई मुआवजा होता है। जैसे अगर कोई काम करता है तो उसके बदले में उसको पैसों की सूरत में मुआवजा दिया जाता है या किसी चीज़ की सूरत में मुआवजा दिया जाता है। लेकिन जो जो है किसी की मदद करता है उसके बदले में हम जुबानी तौर पर किस तरह से उसका मुआवजा अदा करेंगे कि हम उसको शुक्र अदा करेंगे, उसका शुक्रिया कहेंगे। और जिसने क्या हुक्म दिया गया है कि जिसने लोगों का शुक्र अदा ना किया उसने खुदा का शुक्र नहीं किया। यानी कि वो इंसान जो है दूसरों की मदद करते हैं तो वो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, बरगजीदा बंदे होते हैं, जो कि दूसरों की मदद का जज्बा के अंदर होता है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से ही वो दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। तो अगर हमने उनका, यानी कि उन्होंने हमारी मदद की और हमने बदले में उनका शुक्र अदा नहीं किया, तो इसके बदले में क्या होगा कि अल्लाह ताला, ये इसी तरह होगा कि हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया। यानी कि अल्लाह ताला की हमने नाफरमानी की है, हमने किसी का अगर शुक्रिया अदा नहीं किया। तो अब इसमें मानी देखिए, शुक्री मन अम, यानी कि हर एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करना फर्ज है। लम यशकुर, उसने शुक्र ना किया। और शुक्र मनम, यानी कि हर एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करना हमारे ऊपर फर्ज है। यानी कि ये ज़रूरी है कि अगर किसी ने हम पर कोई एहसान किया है तो उसके बदले में हम उसका शुक्र अदा करें। उससे एहसान करने वाले को महसूस होता है कि उसने अच्छा काम किया है। इससे क्या होगा कि जिसने एहसान किया है उसे भी एहसास होगा, उसके दिल में ये सुकून होगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसे सराहा जा रहा है, यानी कि उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको जो है उसके काम को अच्छा कहा जा रहा है। यूँ उसके दिल में एहसान का जज्बा पैदा होता है। इस तरह क्या होगा कि उसके दिल में मज़ीद और एहसान करने का जज्बा पैदा होगा और भलाई और इमदाद करने को दिल चाहता है। यानी कि फिर उसका दिल करेगा कि मैं अच्छे काम करूँ जिससे कि दूसरों की भलाई हो, दूसरों की मदद हो, क्योंकि कदरदानी और पसंदीदगी से हिम्मत अफजाई होती है। अगर कोई एहसान करता है तो उसकी हम कदर करें, उसको हम अच्छा समझें और उसके पसंदीदगी की निगाह से देखें, तो क्या होगा कि उसमें उसकी हिम्मत अफजाई होगी, उसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसकी जो है हम उसको कदरदानी उसकी नहीं करेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, उसको अच्छा नहीं कहेंगे, हमने चुप करके अब एहसान लिया और हमने जो है उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया, तो इसके बदले में क्या होगा? आइंदा वो कभी भी इस तरह के काम नहीं करेगा, वो नेकी नहीं करेगा, वो एहसान नहीं करेगा। तो अगर हम उसको पसंदीदगी की निगाह से देखेंगे, उसको उसकी शुक्रिया अदा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसको मज़ीद उसके अंदर हिम्मत पैदा होगी और वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरों की मदद करेगा। माशरे में अच्छे लोगों की इज्जत अफजाई से अच्छाई का जज्बा बढ़ता रहता है। अब क्या बताया गया है कि माशरा जो है, माशरा किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों के मिलजुल कर रहने की जगह को माशरा कहते हैं। अब जहाँ माशरे में बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे की जो है लोग, अच्छे लोगों की इज्जत अफजाई से अच्छाई का जज्बा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। शुक्र अदा करने से जिस पर एहसान किया गया था उसका अज़्ज़ो इंतसार जाहिर होता है। यानी कि अगर किसी का हम शुक्रिया अदा करते हैं तो इस पर जिस पर उसने एहसान किया है, यानी कि
एहसान करने वाले ने जिस पर एहसान किया है, जिसकी मदद की है, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक आजजी और इंकसारी उसके अंदर आ जाएगी, यानी उसके अंदर जो गुरूर है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे आजजी और इंकसारी आ जाएगी। तवाज़ु और इंकसार खुद एक अच्छी सिफत है। इंकसारी और आजजी जो है ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अगर इस तरह की आदत उसके अंदर आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी जो है वो पैदा हो गई। जो इंतजार करे तकबर उसके करीब नहीं आ सकता, यानी कि जिसमें आजजी आ जाए, जिसके अंदर इंतजारी आ जाए, उसमें कभी भी गुरूर के लिए जगह नहीं बचती और उसमें गुरूर आ ही नहीं सकता। इसलिए खुदा यही चाहता है कि हम हर एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करने के आदि हो जाएं, यानी कि हमारा रब हमारा अल्लाह ताला यही चाहता है कि हम जो है हम पर जो भी एहसान करता है, जो हमारी मदद करता है, किसी तरीके से भी हम पे कोई एहसान करता है तो उसका शुक्रिया अदा करने के हम आदि हो जाएं। यहाँ तक कि हमें किसी ने पानी का गिलास भी पीने के लिए दे दिया है तो हम उसका शुक्रिया अदा करें। हमें छोटी से छोटी चीज़ किसी ने पकड़ा दी है तो हम उसके बदले में भी उसका शुक्रिया अदा करें, जज़ाकअल्लाह कहें या शुक्रिया कहें, जिस तरीके से भी आप शुक्र अदा करना चाहें करें। और इससे क्या होगा कि हम आदि हो जाएगी, हमारी एक हैबिट हो जाएगी, आदत बन जाएगी कि हमने छोटी सी छोटी बात के एहसान के बदले में भी शुक्रिया अदा करना है, ताकि इंसानियत के रिश्ते इस्तवार हों। उससे क्या होगा कि इंसानियत जो है उसके रिश्ते इस्तवार होंगे और जो है इमदादे बाहमी आम होंगे और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा जो है इमदादे बाहमी, यानी कि एक दूसरे की मदद करने का जज्बा, अपना महबूद का जज्बा जो है वो आम हो जाएगा। ये एक हकीकत है कि इंसान को जिस किसी से जो फ़ायदा पहुंचता है वो खुदा की तरफ से होता है, यानी कि ये हकीकत है कि वही होता है जो अल्लाह ताला करता है। यानी कि अगर किसी को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, किसी और इंसान के ज़रिए से उसको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो वो जो है हकीकत इसमें क्या है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है। मगर इस दुनिया में हर शय के लिए सबाब बना दिए गए हैं। अब अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई वसीला बना दिया, कोई ना कोई सबब बना दिया है हर चीज़ के लिए। अगर किसी शख्स की तरफ से किसी के साथ कोई नेकी या एहसान हो तो उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने मुहसिन का शुक्रिया अदा करे। जो इंसानों के एहसानात पर शुक्र अदा नहीं करते वो अल्लाह करीम का शुक्र कब अदा करेंगे। यानी कि अगर किसी शख्स की तरफ से किसी के साथ कोई भलाई की गई है, कोई नेकी की गई है, किसी ने एहसान किया है, तो उसका फ़र्ज़ है कि वो एहसान करने वाला कौन कहलाएगा? मुहसिन कहलाएगा, ठीक है। तो अपने मुहसिन का शुक्रिया अदा लाजमी करे, ये उसका फ़र्ज़ है। और अगर इंसान जो है इंसानों के एहसानात का अगर कोई शुक्रिया अदा नहीं करता तो वो ये उसके अंदर ये भी जज्बा नहीं आएगा कि अपने अल्लाह ताला के लिए शुक्र अदा कर सके। इसलिए जो लोग अपने एहसान करने वालों के शुक्रगुजार होते हैं वो अल्लाह के भी शाकिर बंदे होते हैं। जिन लोगों में लोगों का शुक्रिया अदा करने का जज्बा होता है, उनके अंदर आजजी होती है, इंकसारी होती है कि उसने मेरे मुझ पर एहसान किया है तो उसके बदले में मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार बंदे होते हैं, यानी कि वो अल्लाह ताला का भी हर बात पर शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने जो उनको इतनी नेमतों से नवाजा है उसके बदले में वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होते हैं। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते वो अमूमन अल्लाह के भी बागी होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि इंसानों के एहसान लेना गवारा नहीं करते, उनका शुक्र अदा नहीं करते, उन्हें अपने मुहसिन के शुक्रिया के अल्फाज तक कहना गवारा उनको नहीं होता, तो ऐसे इंसान क्या होते हैं? मगरूर, ठीक है। तो वो जो होते हैं उनके अंदर आजजी नहीं होती, उनके अंदर इंकसारी नहीं होती, वो किसी वो समझते हैं कि इसने हम पे कोई एहसान नहीं किया हमारी मदद करके। तो ऐसे लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के भी बागी होते हैं, उनको अल्लाह ताला भी नापसंदीदगी की निगाह से देखता है और वो उनके दरमियान उनके अंदर एक तकब्बुर आ जाता है। इसलिए आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र भी नहीं किया। यानी कि हदीस जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है कि जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं किया, यानी कि वो नाफरमान इंसान हो गया, उसमें गुरूर आ गया, उसमें तकब्बुर आ गया, उसने दूसरों का शुक्र अदा नहीं किया, तो ऐसा ही है कि उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया।
शख्स कमजोर और पस्त जहन होता है और एक काली जर्फ कुशादा जहन और स्लीवन फितरत इंसान लाजमन लोगों का शुक्रिया अदा करता है और उनका ममनून एहसान होता है। अब बेटा मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की करवा रही हूँ, रीडिंग कंप्लीट हो गई है, आप अपनी नोटबुक ओपन कर लें और क्वेश्चन नोट करें। ओके बेटा क्वेश्चन नोट करने शुरू करें। सवाल नंबर एक, उसने शुक्र ना किया, उसने शुक्र अदा ना किया। लम यशकुर का मानी है, मफहूम है कि उसने शुक्र अदा ना किया। सवाल नंबर दो, इंसान में एहसान का जज्बा, इंसान में एहसान करने का जज्बा किस तरह पैदा होता है? सवाल नंबर दो का जवाब देखिए बेटा, इंसान में किस तरह एहसान करने का जज्बा पैदा होता है। तशरीह की फर्स्ट लाइन में देखें, एहसान करने वाले को महसूस होता है कि उसने अच्छा काम किया है, इसलिए उसे सराहा जा रहा है। यूं उसके दिल में एहसान का जज्बा पैदा होता है, भलाई और इमदाद करने को दिल चाहता है। यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर टू का। क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करें, अच्छे लोगों की इज्जत अफजाई से क्या होता है? अच्छे लोगों की इज्जत अफजाई से क्या होता है? तशरीह की बेटा थर्ड लाइन देखें, माशरे में अच्छे लोगों की इज्जत अफजाई से अच्छाई का जज्बा बढ़ता है। शुक्र अदा करने से जिस पर एहसान किया गया था उसका अज्जो इंतसार जाहिर होता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है, थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर नोट करें बेटा, इंतसार कैसी सिफत है? इंतजार कैसी सिख है, इसकी वजह यहाँ से देखिए, इसी से आगे जहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कंप्लीट होता है, जो इंतजार जाहिर होता है यहाँ से, उसके आगे से तवाज़ो और इंतजार खुद एक अच्छी सिख है। जो इंतजार करे तकब्बुर इसके करीब नहीं आ सकता, इसलिए खुदा यही चाहता है कि हम एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करने के आदि हो जाएं, ताकि इंसानियत के रिश्ते इस्तेवाल हों और इमदाद बाहमी आम हो जाए। क्वेश्चन नंबर फाइव नोट करें, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे कौन होते हैं?
अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे कौन होते हैं। पेज नंबर 47 पर देखें, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, जो लोग अपने एहसान करने वालों के शुक्रगुजार होते हैं वो अल्लाह ताला के भी शाकिर बंदे होते हैं। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते वो अमूमन अल्लाह के भी बागी होते हैं। तो बेटा ये आपके 5 क्वेश्चन जो थे, शॉर्ट क्वेश्चन जी, कंप्लीट हो गए। आंसर्स भी मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। अब आपने नोटबुक पर इनको बहुत नीट और अच्छी प्रेजेंटेशन में इसको करना है। और इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह मैं आपको इसकी तशरीह करवाऊंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।